अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट केक। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप बच्चों को घर पे ही बिल्कुल आसानी से ये पार्ले जी बिस्किट केक बना के खिला सकती हैं। ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने ये 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। तो पहले इन बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लें और फिर हाथों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब इन बिस्किट को हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। इस तरह से मैंने ये बिस्किट को पीस लिया है। ये चॉकलेट कंपाउंड 100 ग्राम का है, इसका मैं आधा यूज़ करूँगी। इस तरह का पीलर ले लें और चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको ये कंपाउंड चॉकलेट ना मिले तो आप इसकी जगह डेरी मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक बर्तन में ये चॉकलेट डालें और इसमें 1 कप दूध ऐड करें। अब थोड़ा सा इसे गर्म कर लें। हमें दूध को बॉईल नहीं करना है, थोड़ा गर्म करें ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब एक बाउल लें, अब इसमें ये मेल्टेड चॉकलेट डालें। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और अब डालिए बिस्किट। थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें और मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे और मिक्स कर लें। ये बाकी बचा हुआ दूध भी डाल दें। तो टोटल हमने इसमें 1.25 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये हमारा केक बनाने का बैटर तैयार है। अब एक पतीले को गैस पे गर्म करने के लिए रख दें। इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा फैला लें। अब एक जाली स्टैंड रखें और ढक्कन लगा दें और हाई फ्लेम पे 7 मिनट गर्म होने दें। अब ये केक टिन लें और इसमें थोड़ा ऑयल डालकर चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इस तरह से मैदे को कोट कर लेंगे। इससे हमारा केक चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल आएगा। अब ये केक बैटर में 1 पैकेट इनो डालें। हमें प्लेन इनो का यूज़ करना है। इस पे 1 छोटा चम्मच पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब इस बैटर को केक टिन में डालें। और फौरन ही इसे बेक होने के लिए रख दें। पतीला गर्म हो चुका है। अब ये केक टिन को पतीले में रखें और 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक होने दें। 35 मिनट हो चुके हैं। एक स्टिक या चाकू डालकर आप चेक करें केक बना है या नहीं। ये देखिए स्टिक क्लीन है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है। अब किनारों को चाकू से लूज करें और एक प्लेट लेकर केक को इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए केक आसानी से निकल गया है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। ऊपर से इस पर थोड़े से कटे हुए बादाम डालें और खाने के लिए इसे सर्व करें। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए
और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।